चलो रोल भाई, लोगों की मौत हुई है, लोगों का कहना है भाई आईडी क्या यार दिक्कत है आप लोगों की, एक दूसरे की बाइक का बाइट ऐसे ऐसे लगाइए। जी जी ग्राम चमरावल है, थाना चांदी नगर, बागपत के थाना चांदी नगर में ग्राम चमरावल है। आज सूचना ये मिली थी कि श्याम लाल जो है उनकी डेथ हो गई है और वो उनका बेटा है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जब से वो जन्म लिया है उसने 24 साल का बेटा है, वो सुबह शाम रात तीनों टाइम वो शराब पीते थे, उसके पेट में दर्द, श्यामलाल के पेट में दर्द हुआ है, उसके कारण उसकी हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है। अभी ये बताया पोस्टमार्टम के लिए उनको परिजन राजी नहीं थे, उनको पोस्टमार्टम जो है बात करके उन्हें संतुष्ट करके पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी ले जा रहे हैं, तो पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि डेथ किस तरह से हुई है। जहाँ तक आप एक यहाँ त्यागी जी हैं उनका उन्होंने एक बयान दे दिया है कि चार लोगों की कल भी मौत हुई है, चार लोगों की मौत की बात कही है, इसकी अभी पुष्टि जब तक जांच ना हो जाए हमारी पूरी टीम और मैं स्वयं यहाँ पे हूँ तो पूरी टीम जांच करेगी, जांच के बाद ही ये निकल कर आएगा कि किस तरह से मौत हुई, क्योंकि किसी भी जिन लोगों की मौत की बात वो कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के परिवार ने ना तो सूचित किया है, ना ही ग्राम प्रधान ने सूचित किया है, ना किसी अन्य स्रोत से सूचित किया गया है कि इन चार की मौत कब हुई है, तो इसके बारे में बिना जांच के तथ्य नहीं बताया जा सकता है कि उनकी मौत कैसे हुई, कब हुई, कितने लोगों की हुई, क्योंकि मौत कल से हो रही है, अभी तक का जांच में क्या सामने आया है। नहीं देखिए आप भी आज ही आए हैं, अगर कल मौत होती है तो आप सबसे, मीडिया सबसे पहले मौके पर आता, किसी ने कोई सूचना ही नहीं दी है कि किसी भी स्रोत से सूचना नहीं आई है कि शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई है। आपके सामने अभी पूर्व प्रधान, ग्राम प्रधान, वर्तमान प्रधान, ग्राम प्रधान और भी लोग थे, मात एक त्यागी जी हैं, उनके द्वारा जो है मीडिया को स्टेटमेंट ये दिया गया कि इस तरह से मौत हुई है, तो उसकी जांच, क्योंकि उनकी डेड बॉडी भी नहीं है, उनकी डेड बॉडी क्रिमिनेट कर दी जा चुकी है, ये बताया गया कि लोगों की मौत हुई है, लेकिन किन किन लोगों की मौत हुई है और कैसे मौत हुई है ये जब तक जांच ना हो जाए कहना मुश्किल है। एक बात और बताइए, यहाँ पर आ रही है अवैध शराब की तस्करी की शराब बिक रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? ये अभी सबसे पहले तो अभी इनको समझा कर कि पोस्टमार्टम हो जाए इस पे लोगों को समझाएगा, क्योंकि राजी ही नहीं परिजन जो है हॉस्पिटल से लाने के बाद उसका जो है क्रिमिनेशन करने के लिए नहला धुलाकर और डेड बॉडी को रास्ते में लेकर चले, उनको रास्ते में लेकर ही रोका गया है, समझाया गया है कि पहले पोस्टमार्टम कराएं, पोस्टमार्टम कराना ज़रूरी है तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किस कारण से मौत हुई है। और रही अवैध शराब के लिए, आप जानते हैं कि जो भी हमारे यहाँ चार टीमें गठित हैं, पुलिस की और प्रशासन की, आबकारी विभाग की, और वो लगातार छापेमारी कर रही, विगत एक साल में गत वर्षों के से कई गुना जो है शराब जो है वो पकड़ी गई है और आरोपी भी अरेस्ट हुए हैं। इस केस में जैसे ही कोई ये जानकारी मिलती है किस तरह का प्रकरण है तो पुलिस की टीम जो है अभी एसपी साहब यहाँ खड़े हुए हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है क्या? स्टेटमेंट दीजिए ना, यहाँ लीजिए ना स्टेटमेंट।